वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल नंबर थ्योरी के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयलर प्रोडक्ट। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस एनालिटिकल नंबर थ्योरी के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक ऑयलर्स प्रोडक्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिमान जीटा फंक्शन की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है अगर हम उसको ऑयलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो। हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो ये था कि एप्लीकेशंस क्या हैं, लाइक अगर रिमान जीटा फंक्शन का यूज़ करके हम ये प्रूव करना चाहें देर आर इन्फाइनेटली मेनी प्राइम्स, तो उसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो ये हमारी लास्ट थ्योरम थी जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में की। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेशन से, और उसके बाद थ्योरम देखेंगे। डेफिनेशन क्या है ऑयलर्स प्रोडक्ट की? एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट इन विच प्रेफेक्टर्स आर इंडेक्स्ड बाय प्राइम्स इज कॉल्ड ऑयलर्स प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि इसमें आप जो जिसको ऑयलर प्रोडक्ट बोलोगे उसमें हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे सारे कैसे हो जाएंगे? ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स हमारे इंडेक्स्ड हैं प्राइम से, P1, P2, P3 एंड P4 सो ऑन। सारी इंडेक्सिंग किससे, सारे फैक्टर की इंडेक्सिंग किससे हो रखी है? प्राइम से हो रखी है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑयलर प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें हैं, पहली कि वो इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। दूसरा कि वो हम इंडेक्स करेंगे प्राइम से। अब हम देखते हैं कि ऑयलर प्रोडक्ट क्या होगी, सॉरी ऑयलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रिमान जीटा फंक्शन का। रिमान जीटा फंक्शन को हम इस प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, उससे जो रिलेटेड थ्योरम हमारे पास है वो ये है कि इफ़ एस इज ग्रेटर देन वन देन रिमान जीटा फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस वेयर प्रोडक्ट वेरीज ओवर ऑल पी, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है। ये रिप्रेजेंटेशन है रिमान जीटा फंक्शन की ऑयलर प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया P1, P2, PK, हमने पहले K प्राइम्स लेट कर लिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ K ही प्राइम्स होते हैं, हम इसको प्रूफ करने के लिए बस पहले K प्राइम्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमने कंसिडर किया दैट PKS इज इक्वल्स टू, हमने प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट I इज इक्वल्स टू 1 to K है एंड दिस इज 1/1 माइनस PI माइनस S है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए या हमने ये जो सीरीज़ ली है इसको समझने के लिए एक बार मैं अपने लास्ट जो टॉपिक हमने देखा है वहाँ पर चलते हैं, सो दैट मैं आपको बता सकूँ ये टॉपिक्स, ये जो हमने लिखा है वो कहाँ से आया है। ये हमने अपनी लास्ट जो थ्योरम थी उसमें डिस्कस किया था, यूजिंग रिमान जीटा फंक्शन प्रूव दैट देर आर इन्फाइनेटली मेनी प्राइम्स। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी सीरीज़ है, मैं अगर सिर्फ एक सीरीज़ की बात कर रही हूँ, एक सिर्फ एक पीआई की अगर हम मैं बात कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने ये जो सीरीज़ लिखी है जो टिल इन्फिनिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्जेंट है, और किस पे कन्वर्जेंट होगी? 1/1 PI का इन्वर्स। ये क्या फॉर्म थी? ये हमारी GP सीरीज़ बन रही थी, और जो GP सीरीज़ का सम होता है दैट इज़ A/1 - R, वेर R इज़ द रेशियो एंड A इज़ द फर्स्ट टर्म। तो ये आया था कि ये सीरीज़ इस पे कन्वर्जेंट होगी, और जब मैंने इसका K प्रोडक्ट ले लिया था, मतलब कि ऐसे ही मैंने K सीरीज़ ले ली थी, P1, P2, हर अलग अलग प्राइम के लिए ऐसे हमारे पास कितनी सीरीज़ बन गई थी? K। तो उन सब का हमने जब प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया और इस पे भी आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो किस पे कन्वर्ज कर रहा था? इस पे। I इज इक्वल्स टू 1 to K 1/1 PI का इन्वर्स, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमने अपने जो अभी हम करेंटली थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेकर चले हैं, ये हमारा हो गया PKS, और ये हमारी वो सीरीज़ हो गई जिससे आया है। तो बेसिकली क्या आएगी, ये हमारी जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें रेशियो हमारा सेम होता है और ये उसका सम, क्लियर। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, ये तो हो गया कि कैसे हम क्या हमने फॉर्म ली है और ये कौन सी सीरीज थी। जो हमने फॉर्म ली है वो यहाँ पर हमने लिया हुआ है माइनस एस, जो अभी हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीके? और उसको हमने इक्वल मान लिया है PKS के, ये, ठीक है। अभी जो मैं
अभी जो थ्योरम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसमें हमने पी आई का इन्वर्स ले रखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1/PI था, यहाँ पे PI का फिर स्क्वायर था एंड सो ऑन, ठीक है। तो रेशियो हमारा था 1/PI। और हम ऑयलर प्रोडक्ट के केस में क्या कह रहे हैं कि जो हमारी थ्योरम है उसमें एस हमने क्या बोला है, एस हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बोला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करूँ तो मुझे एस की वैल्यू 1 मिल रही है, और हमें इसके लिए डिस्कस ही नहीं करना, हमें तो ग्रेटर देन 1 के लिए डिस्कस करना है। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो अभी हम थ्योरम देख रहे हैं उसमें तो ये -1 है, ओके। और यही सेम चीज़ जो हम थ्योरम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने लिखा है 1 - PI और -S। अगर मैं इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करूँ तो मेरी S की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है ना, S की जगह पे 1 लिखा हुआ है। बट मैं इस केस के लिए नहीं डिस्कस कर रही, मेरा मेरी जो थ्योरम है उसमें लिखा हुआ है कि उसके स्टेटमेंट में S इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस -1 मैं यहाँ पर ले रही हूँ -S, ठीक है। और ये उसकी सीरीज थी, या फिर आप ये बोलो ये GP सीरीज का सम था। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरम पे। अब आई होप ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और इसको जब हम इसकी सीरीज लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो पावर यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर पावर एस है, फिर पावर 2S है, और जो भी हमने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने लिखा था 1 + 1/PI, पावर 1 रखी थी, 1/PI का स्क्वायर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम S ले रहे हैं तो हमारी S की फॉर्म चल रही है, और इसीलिए इसके सम में भी यहाँ पर आपको S दिखाई पड़ रहा है। आई होप ये दोनों स्टेप जो है वो क्लियर हैं। अब नाउ नेक्स्ट इज, इफ वी एक्सपेंड दिस प्रोडक्ट द जनरल टर्म इन द रिजल्टिंग सीरीज इज 1/N^S, वेयर N इज इक्वल्स टू दिस। जिन्होंने भी लास्ट थ्योरम देखी है उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने लास्ट थ्योरम में भी बताया था कैसे हम N को इस तरीके से लिख सकते हैं। जो पहली थ्योरम थी और इस थ्योरम में इतना ही फ़र्क है कि हमने लास्ट वाली थ्योरम में 1/N लिया था, ठीक है, और यहाँ पर आप 1/N^S ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हम इसमें S इंक्लूड कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर जो N की फॉर्म इस तरीके से लिखी हुई है 1/N^S को जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब N की जो वैल्यू वेरी कर रही है वो कुछ इस तरीके से 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, ठीक है, जो पावर एस चल रहा है। तो आप, मैं भी सिर्फ एन की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ एन की बात की हुई है, अभी आप एस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो फंडामेंटल जो थ्योरम है हमारी अर्थमेटिक की, उससे भी हमें यही पता चलता है कि एन को आप, ये जो एन की वैल्यू है इसको आप प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो लेट्स से अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे P1 को 2 ले लूँगी, उसकी पावर को मैं 1 कर दूँगी, बाकी सारे जो प्राइम्स हैं उन सब की पावर में 0 कर दूँगी। लेट्स से अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है, मेरी n की वैल्यू 2 है, और मैं ये जनरल टर्म ले रही हूँ, मतलब हर एक नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैंने जो पहली प्राइम थी, वो पहला प्राइम था, वो मैंने 2 ले लिया, बाकी के मेरे जितने भी प्राइम्स हैं अगर मैं उनकी पावर 0 रेज कर देती हूँ तो मुझे 2 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है तो मैंने इसकी पावर 1 कर दी, सबकी पावर 0 कर दी, मुझे 7 रिप्रेजेंट करना है एंड सो ऑन। लेट्स से अगर हमें 6 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 1 कर दी, 3 की पावर 1 कर दी, बाकी सबकी हमने पावर क्या कर दी, 0, क्लियर। 2 करना है रिप्रेजेंट तो 2 की पावर 2 कर दी, बाकी सबके प्राइम्स की पावर कर दी 0। तो ये क्या है, ये हमारा जनरल फॉर्म ही तो है, जनरल टर्म ही तो है, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट थ्योरम में भी आप लोगों को बताया था, यही सेम काम हमने यहाँ पर किया है। अब आ जाते हैं, दिस इज द सेट ऑफ, ओके, दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन वेयर प्राइम फैक्टर्स आर अमंग P1, P2 till PK। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट हैं जिसका प्राइम फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने थ्योरम के स्टार्टिंग में ही यही पहले के प्राइम्स जो है वो कंसिडर किए थे। तो मैं इन्हीं के की ही बात कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो प्रोडक्ट लिया है ना, हमने वो सिर्फ पी के तक का लिया है। यहाँ पर इसमें सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले के प्राइम्स कंसिडर किए थे ना, तो प्रोडक्ट भी बस मैंने यहीं तक ही बनाया है। इस चीज़ को पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यही इसी चीज़ का हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा ये सिंपल लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या बोला, हमने पहले के फर्स्ट फर्स्ट के प्राइम्स लिए थे। लेट्स से कि हमने पहले 3 प्राइम्स लिए हैं,
स्टार्टिंग के तीन प्राइम्स लिए हैं, वो मेरे हो गए 2, 3 और 5। क्लियर? अब मैं जो एन लिख रही हूँ ना, तो ये जो एन नंबर मुझे मिल रहा है, मैं इन तीनों प्राइम्स की हेल्प से जो भी नंबर बना सकती हूँ, इन तीनों प्राइम्स की हेल्प से पावर में इंक्रीज करके जो भी मुझे एन मिल रहा है, ये सिर्फ वो मेरे एन है। ठीक है? इन बस इन तीन प्राइम्स की बात कर रही हूँ। तो अब उसका मैं एक सेट क्रिएट कर सकती हूँ। सेट कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 की वैल्यू 1 पावर 1 कर दी, बाकी इन दोनों की 0 0 कर दी, तो इस सेट में मेरा एक एलिमेंट 2 आ गया। अब मैंने इसकी पावर 0 कर दी, इसकी पावर 0 कर दी, 3 की पावर 1 कर दी, मेरा दूसरा एलिमेंट ये आ गया, मेरा अगला एलिमेंट ये आ जाएगा। मैंने इन दोनों की पावर 1 1 कर दी, इसका एलिमेंट मेरा ये आ गया। तो मैं इन तीनों प्राइम्स की हेल्प से जो जो एन यहाँ पे फॉर्म कर पा रही हूँ, मैं उसका एक सेट ले रही हूँ। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन हुज प्राइम फैक्टर्स आर अमंग P1 P2, जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ यही तीनों हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले के प्राइम्स की ही बात की है। आप यहाँ पे k की वैल्यू 4 ले लो, तो आप एक 7 को भी इंक्लूड कर सकते हो। नाउ इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू ak, देन n इज डिविजिबल बाय सम प्राइम p greater than pk, एंड सो n विल बी ग्रेटर देन pk। अब एक आप बात समझो, मैं कोई एक ऐसा प्राइम ले रही हूँ, या मैं कोई एक ऐसा n ले रही हूँ जो इस सेट में नहीं बिलोंग करता। क्यों? आपको मिल भी जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे n मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने तो लिमिटेड ही प्राइम्स लिए हैं ना, हमने ज़्यादा प्राइम्स तो लिए ही नहीं। तो कुछ n तो ऐसे भी बचेंगे ना जो इस a के सेट में नहीं बिलोंग करेंगे। ये a के सेट मान लिया मैंने, जिसमें हम इन तीनों प्राइम्स के प्रोडक्ट में जो नंबर्स बनेंगे वो सारे हमने इस सेट में डाल दिए। अब बहुत सारे n ऐसे बच जाएंगे जो इस a के में आएंगे ही नहीं। तो क्या होगा कि वो जो n है वो कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे जो इस p के में नहीं आते। ठीक है? एक मान लो हमने नंबर लिया जिससे जनरेट नहीं हो सकता था। हो सकता है कि वो जो n है वो 11 वाले प्राइम से डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि 11 तो मेरा इसमें नहीं है, ये सारे उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ही तो हुए ना। बट अगर मैं एक ऐसा n ले रही हूँ जो a के वाले सेट में आ ही नहीं रहा, तो हो सकता है फिर वो इन तीनों प्राइम्स को छोड़ के और जो प्राइम्स हमारे पास आते हैं, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर उन प्राइम से वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है n इज डिविजिबल बाय सम प्राइम, जो प्राइम पी के से ग्रेटर हो। पी के तो मेरे पास यही है, P1 P2 P3, इनसे जो बड़ा और कोई प्राइम पी, उसको आप लेट करो, लेट से वो 11 है। ठीक है? तो पी के में तो बस मेरी ये तीन ही प्राइम्स हैं, 2 3 5। कोई नंबर जो ए के सेट में नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब वो किसी और बड़े प्राइम से डिवाइड फिर हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं है 11, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो एन विल बी ग्रेटर देन पी के, इसलिए जो मेरा फिर एन बनेगा ना वो पी के से ग्रेटर बनेगा। अगर मैं 11 मान लेती हूँ कि मेरा 11 ऐसा नंबर है जो फिर उसको डिवाइड कर जाएगा एन को, तो मेरा जो n होगा वो हमेशा p के से ग्रेटर होगा। p के में तो सिर्फ यही वैल्यूज आ रही है ना, अगर उसमें एक इन तीनों प्राइम से बड़ा कोई प्राइम यूज हो रहा है, तो मेरा जो उससे n क्रिएट होगा वो भी यहाँ पर बड़ा ही होगा। Thus if s is greater than 1, then हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। आई होप मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये सब क्लियर हो गई हैं। जस्ट इन केस ये लाइन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? ये चीज़ आगे रिपीट भी होंगी। हमने निकाला डिफरेंस ऑफ पी के एस माइनस, ये हमारा जीटा फंक्शन है और ये हमारा पी के फंक्शन है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने लिख दी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हमारा पी के एस है ना, ये आपने अभी स्टार्टिंग में भी देखा, हमने जो प्रोडक्ट माना था, प्रोडक्ट लिया है हमने i = 1 to k 1/1 - pi इस, ये था। ठीक है? तो आप देखो कि जो आप i की वैल्यू चेंज कर रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3 till k, वो क्या है? वो एक लिमिटेड प्राइम है। लिमिटेड प्राइम, आप तीन प्राइम ले लो तो इसमें तीन वैल्यूज प्रोडक्ट आ जाएगा तीन फैक्टर्स का। बट ये जो हमारा जीटा फंक्शन है ना, इसमें ये लिमिटेड प्राइम नहीं है, इसमें तो आपके सारे ही प्राइम्स इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक प्राइम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हम सारे प्राइम्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फंक्शंस में, जीटा फंक्शन में तो सारे प्राइम्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें हमने लिमिटेड प्राइम सिर्फ पी के लिया है और उसका यहाँ पर डिफरेंस है ये और ये। क्लियर? तो यहाँ पर तो आ गया बाय डेफिनेशन 1/(n^s) और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी चल रही है। यहाँ पर हमने पी के में हमारे लिमिटेड प्राइम थे और
पी के जो हमारा एन को जनरेट कर रहा था, जो उन तीन प्राइम से जो मेरे नंबर्स जनरेट हो जा रहे थे उसको मैंने एक सेट ए के में रखा था, तो मैंने वही चीज़ लिख रखी है कि यहाँ पे वो हर एन आएंगे जो मेरे ए के से जनरेट हो रहे होंगे, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल कैसे हो गया? अगर मैं सारे प्राइम्स में से, इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं जितने भी मेरे पास ये पूरे प्राइम्स पी हो गए, लेट्स से ये इन्फिनिटी तक प्राइम्स पी हो गए, इसमें से मैंने वो लिमिटेड प्राइम्स पी के सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पर एन की बात कर रहे हैं हम, इन पी के से जो मेरे एन क्रिएट हो गए होंगे मैंने उनको यहाँ से यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कौन से नंबर बचेंगे? मेरे पास वही तो नंबर बचेंगे जो ए के में बिलोंग नहीं करते। ये वो नंबर थे जो ए के में बिलोंग कर रहे थे, ये तो मेरे टोटल पूरे प्राइम्स हो गए, इसमें तो लिमिटेड प्राइम्स ही थे, इसमें जो मेरा एन बन रहा था ना वो इन लिमिटेड प्राइम्स ही बन रहा था, तो मैंने उनको हटा दिया, तो मेरे पास सिर्फ कौन से बचेंगे अब जो ए के में बिलोंग नहीं करते, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसी सेम चीज़ को और कैसे लिख पा रहे हैं? नेक्स्ट, इसको हमने लिख दिया कि 1 बाई एन टू दी पावर एस, और एन यहाँ पर हमारा पी के से ग्रेटर होगा। अभी जस्ट जो मैंने आपको ऊपर चीज़ समझाई कि अगर आपका एन ए के से बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका एन कैसा है? फिर उन पी के जो प्राइम्स अब आपने लिए हैं ना उनसे ग्रेटर है ना? तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी। और इसको अगेन अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर आपने क्या लिया, पी के और ये ग्रेटर हो, इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या होगी कि लेस देन इज इक्वल्स टू पी के, है ना? तो अगर मैं जीटा फंक्शन में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दूं जो पी के इक्वल या उससे लेस हैं, तो मुझे यही तो मिलेंगे जो पी के से ग्रेटर हैं। अगेन वही सेम चीज़ आ गई, ये मेरे टोटल पूरे पी प्राइम्स थे, ये मेरे वो नंबर हो गए। अभी मैं इधर सब्ट्रैक्ट करके इधर गई थी ना, अब उल्टा बोल रहे हैं कि उनमें से मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जो मेरे ए के में नहीं आ रहे, तो मेरे पास ये वाले एन बचेंगे जो ए के से हैं या फिर जो मैं प्राइम्स की हेल्प से बना पा रही हूँ, ठीक है? तो जीटा माइनस दिस आ गया। सिंस एस इज ग्रेटर देन वन, द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन वन बाय एन एस, दिस विल अप्रोच टूवर्ड्स जीटा फंक्शन एज के इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है? स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, हमने ये बोला कि एस की वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने पार्शियल सम लिया था सीरीज का जो समेशन वन बाय एन टू द पावर एस है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीटा फंक्शन को, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमारा किसको अप्रोच करेगा, जीटा फंक्शन को अप्रोच करेगा जब के की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। इस चीज़ को समझिए, हमने अभी बोला कि हमने फर्स्ट के प्राइम्स लिए थे, मतलब आपने कुछ लिमिटेड ही प्राइम लिए, अब आप के की वैल्यू को इन्फिनिटी कर रहे हो, मतलब आप और ज़्यादा प्राइम्स, लिमिटेड प्राइम्स ना लेकर अब आप बहुत और भी प्राइम्स इसमें इंक्लूड कर रहे हो, तो आपके जो आपका जो एन बनेगा अब उन सारे प्राइम्स की हेल्प से अब आप एन बना सकते हो। इसमें तो हमने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आप के की वैल्यू सिर्फ 3 ले लो, तो आप पहले 3 प्राइम्स इंक्लूड कर पा रहे हो, और इन तीनों प्राइम्स की हेल्प से आप जो भी और नंबर बना सकते हो, या जो भी नंबर एन है जिनके फैक्टर्स ये हैं वो सारे एन में जा रहे हैं, बट मैं जैसे जैसे इन नंबर्स को, इन प्राइम्स को और बढ़ाती चली जाऊंगी, ठीक है, तो प्राइम्स भी मेरे बढ़ रहे हैं, तो इन इनकी हेल्प से जो मैं एन बना सकती हूँ वो भी बढ़ रहा है। तो आप क्या, जैसे के इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा सारे प्राइम्स इंक्लूड होने लग जाएंगे, और सारे प्राइम्स की हेल्प से हम अपना एन क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई भी नेचुरल, कोई भी नंबर एन है ना आपके पास, तो आप उसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो, लाइक हम उसको प्रोडक्ट लिख सकते, प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो आपके पास तो सारे एन आ गए, तो इसका मतलब ये किसके टूवर्ड्स अप्रोच करेगा, ये हमारे जीटा फंक्शन के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा। जीटा में तो सारा ही आ जाता है, इसमें हम 1, 2, 3, 4 सारे ही ले रहे हैं, डेफिनेशन में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, सो जब दोनों के बीच में, जब ये जो है जीटा के टूवर्ड्स ही जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा, मतलब जीरो के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा एज के इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। जब एज के इज टेंडिंग टूवर्ड्स, एज के इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये खुद भी जब जीटा के टूवर्ड्स ही जा रहा है, तो जीटा माइनस जीटा दिस विल टेंड टूवर्ड्स जीरो। दैट इज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जीटा, जब पी के
एस में आप लिमिट लगा रहे हो के स्टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीटा एस, और ये खुद किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया, हेंस प्रूव, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आई होप थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इन केस कुछ भी ऐसा रह गया है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने पहले भी ये चीज़ रिपीट की थी कि अगर एनालिटिकल नंबर थ्योरी को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो उससे बेटर इन थ्योरम्स को नहीं समझा जा सकता। जब तक आपके माइंड में एक एग्जाम्पल नहीं है तो ये सब चीज़ें ऐसे ही लगेंगी कि किस तरीके से हुई हैं, कैसे हमने चेंज कर दिया। तो बिना एग्जाम्पल लिए इन सब चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से हमने प्राइम्स लिए, क्या ग्रेटर है, कैसे करना है। ओके, तो हमने पहले के प्राइम्स की बात की थी, तो मैं अभी भी स्टिल के की वैल्यू ले लेती हूँ 3। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं P1, P2 और P3 ही कंसिडर कर सकती हूँ, मेरे ये पहले 3 प्राइम्स हैं। अब इसको मैंने पहले फर्स्ट प्राइम्स की बात हो रही है ना, तो इसको मैंने 2 ले लिया, इसकी मैंने वैल्यू 3 ले ली, इसकी वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब इनकी हेल्प से जो मेरे n क्रिएट हो सकते हैं ना, इन तीनों के प्रोडक्ट की हेल्प से मैंने एक सेट बना लिया A के। देखो, अगर मैं सारे प्राइम्स ले लूं, जितने भी प्राइम्स होते हैं, तो आपको पता है कि आप जितना जो भी एन है ना, वो सार आप एन जनरेट कर सकते हो। जब मैंने सारे ही प्राइम्स ले लिए, P1, P2, P3, P जितने भी होते हैं, लेट्स से लास्ट इट इज गोइंग टू P, तो आप इनके प्रोडक्ट से एन क्रिएट कर लो। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आप प्राइम के प्रोडक्ट में ना लिख सको, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े आराम से कर सकते हो, तो उसमें तो सारे ही एन आ गए ना। बट जब मैंने लिमिटेड प्राइम्स लिए तो उसकी हेल्प से जो मेरे एन बन रहे हैं, लाइक 2 × 3 कर दोगे आपको 6 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 × 3 = 15 मिल जाएगा, 5 × 2 = 10 मिल जाएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके फैक्टर्स ये हैं, वो एक सेट में हमने डाल दिए, और वो सेट मैंने बना लिया ए के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एन है ना, जो ए के में बिलोंग कर रहे हैं वो ये है, जो ए के में बिलोंग नहीं कर रहे वो यहाँ पर है। और जब सारे ही आ गए प्रोडक्ट में तो वो हमारे जीटा फंक्शन में चले गए, क्योंकि जीटा में हम जो 1/n^s लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सारे ही एन आते हैं, n = 1 to infinity जाता है, तो ये तो यहाँ पर हो गया, इसमें लिमिटेड ही आ रहे हैं और इसमें ये सारे हैं। तो जो हम डिफरेंस कर रहे हैं ना, हमने डिफरेंस किसका लिया, हमने PKS − zeta s का डिफरेंस लिया। तो इन पूरे में से हमने हमने इसको हटाना है, ये हटा दोगे तो हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे, यही तो बचेंगे जो ए के में नहीं आ रहे। यही सेम चीज़ मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने ये लिख दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं एक नंबर ऐसा ले रही हूँ, मैंने 22 ले लिया, ठीक है, तो 22 एक ऐसा पी के में ले रही हूँ जो इन तीनों प्राइम से ग्रेटर हो, पी के की वैल्यू मतलब P1, P2, P3 तीन ही लेने थे ना, तो मैंने एक ऐसा प्राइम ले लिया, लेट से मैंने लिया 11 प्राइम जो इसमें नहीं है, वो इस साइड से कहीं लिया हुआ प्राइम है, ठीक है, और एक ऐसा नंबर जो इस प्राइम से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो n विच इज डिविजिबल बाय आर पी के, या ऐसे नहीं कह सकते, मैं इस तरीके से अगर बोलूं कि मैंने एक ऐसा n ले लिया जो इन तीनों प्राइम से डिवाइड ना होकर किसी एक ऐसे प्राइम से डिवाइड हो रहा है जो पी के से ग्रेटर है, लेट्स से 11 जो है डिवाइड कर देगा उसको। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम इधर की नंबर की बात कर रहे हैं कि ऐसा पी प्राइम लिया गया जो इधर नहीं है, ठीक है, अगर उसका फैक्टर 11 है तो वो आपको यहाँ से मिलने वाला है,
तो जो डिफरेंस हो रहा है ना, आप इस चीज को माइंड में रखो। और हम जब ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे प्राइम ले रहे हैं, अब हम तीन प्राइम ना लेकर, मैं के की वैल्यू इन्फिनिटी के टूवर्ड्स लेकर जा रही हूँ, इसका मतलब हम तीन प्राइम ही लेंगे। प्राइम जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे आप एन की वैल्यू और ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा प्राइम्स हैं तो, और उसके फैक्टर जो बनेंगे, जो नंबर क्रिएट होगा मल्टी प्रोडक्ट करने के बाद, वो और बड़ा होगा, आपका सेट और बड़ा होता जाएगा। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है एस के स्टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये कम होता चला जाएगा। ये नंबर यहाँ से कम होते चले जाएंगे क्योंकि अब हम के की वैल्यू को, सारे प्राइम्स को हम इधर ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस जो है वो जीरो के टूवर्ड्स चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एज लिमिट के इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1/pk, दिस इज इक्वल्स टू आर जीटा फंक्शन। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो स्टिल इन केस कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और आपके उन डाउट्स को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।